विच पूरे क्लैश एम्पायर में काफी अलग ट्रूप है। वो इकलौती एक ऐसी ट्रूप है जो पिछली लड़ाई में मरी हुई ट्रूप्स को भी जिंदा कर सकती है, पर वो इकलौती विच नहीं है पूरे क्लैश एम्पायर में। उसकी बहन नाइट विच, जो कि जमीन पर चलती है पर स्केलेटन्स की बजाय पैट्स को इकट्ठा करती है। पर ये दोनों बहनें देखने में एक जैसी ही लगती हैं, पर एक दूसरे से काफी अलग भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों बहनें क्लैश एम्पायर में आई थी और ऐसा क्या हुआ कि नाइट विच क्लैश एम्पायर में हर जगह मिलती है सिवाय मेन विलेज पे। तो आइए जानते हैं ये सब स्टोरी ऑफ विच सिस्टर्स में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैन और क्लैश रॉयल ट्रूप्स की कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये तब की बात है जब विजर्ड गोलम के ऊपर काम कर रहा था। तो विजर्ड ने वो कारण ढूंढ लिया था जिसके कारण गोलम जब भी मरता था तो वो दो छोटे गोलमाइट्स में बदल जाता था। इसकी हम पूरी कहानी जानेंगे स्टोरी ऑफ गोलम में। विजर्ड, जो कि डार्क लीजर को अब भी नए तरीकों से इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ रहा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे कि वो एक छड़ी बनाएगा जिसमें वो डार्क लीजर भर देगा और फिर अपने मैजिक से उसे जोड़ देगा और ग्रैंड वार्डन की तरह बन जाएगा। तो विजर्ड पूरे दिन अपनी लैब में लगा रहता था और उसने लैब में अपनी मदद करने के लिए हीलर को रखा था। हीलर को रखने के पीछे दो कारण थे। पहला, अगर कुछ भी खराब या टूट जाता था तो वो उसे हील कर देती थी। दूसरा कि वो बहुत अच्छी थी और उसको सबकी मदद करना पसंद था। तो विजर्ड अपनी जादुई छड़ी बनाने के लिए पूरा तैयार था। उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था और छड़ी में डार्क लीजर भी भर दिया था। और फिर उसने हीलर से कहा कि अब मैं इसमें अपना जादू डालूंगा, पर जादू डालने से पहले क्यों ना मैं दो छड़ी बनाऊं। तो इसलिए उसने गोलम से मिले पोशन को भी छड़ी में मिला दिया ताकि वो दो छड़ी बन जाए। और फिर विजर्ड ने हीलर को पीछे होने के लिए कहा और उसने छड़ी पर फायरबॉल फेंकी। फायरबॉल फेंकते ही पूरी लैब और छड़ी चमकने लगी। विजर्ड ने हीलर से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें इसे हील करना होगा और ठीक करना होगा। तो हीलर ने उस पे अपने हील का ओरा फेंका, पर ओरा फेंकते ही जैसे ही ओरा डार्क लीजर से टकराया, हीलर ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है और फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ। और जब धुआं हटा सब ठीक था सिवाय एक चीज के कि हीलर अब भी हवा में तैर रही थी पर उसके पंख गायब थे। विजर्ड ने छड़ी उठाई और चेक किया कि वो काम कर रही है या नहीं, पर हीलर ने जैसे ही अपने आप को देखा वो गुस्सा हो गई और विजर्ड की तरफ गई। उसने अपने हीलिंग को शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश की और कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विजर्ड का मुंह खुला का खुला ही रह गया। विच ने जमीन में से पिछली लड़ाई के मरे हुए ट्रूप्स को जिंदा कर दिया था और कुछ ही देर में वहां पर स्केलेटन आर्मी खड़ी थी। विजर्ड ने हीलर को देखकर कहा कि तुम तो विच बन गई हो। फिर विच ने स्केलेटन को ऑर्डर दिया कि मुझे ये छड़ी ला दो और अब इस विलेज की नई ग्रैंड वार्डन वो होगी। और विजर्ड ने डर के मारे छड़ी विच को दे दी। विजर्ड को ये तो समझ आ गया था कि हीलर की हीलिंग डार्क लीजर के कारण डार्क हीलिंग में बदल गई थी, जिसके कारण हीलर पिछली लड़ाई में मरे हुए ट्रूप्स को फिर से जिंदा कर सकती थी, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि दूसरी छड़ी का क्या हुआ। इसके बाद विच पूरे विलेज में सबसे ताकतवर ट्रूप बन गई थी क्योंकि वो कहीं पे भी कभी भी एक पूरी स्केलेटन आर्मी खड़ी कर सकती थी। तो काफी समय तक मेन विलेज में सबसे ताकतवर ट्रूप होने के बाद विच को खबर मिली कि क्लैश रॉयल अरेना में एक विच से भी ज्यादा शक्तिशाली विच है। विच को यह सुनकर काफी गुस्सा आया क्योंकि उसे लगता था कि वो ही सबसे ताकतवर है और उससे ताकतवर कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो उससे मिलना चाहती थी। तो विच रवाना हो गई क्लैश रॉयल अरेना की ओर। क्लैश रॉयल अरेना में एक खास बात थी, किसी कारण से वहां डार्क लीजर काम नहीं करता। इसलिए जैसे ही विच ने एरिना में एंटर किया, उसने देखा कि उसके पांव जो पहले नहीं थे वो अचानक से आ गए। और क्लैश रॉयल एरिना में जो ट्रूप्स वो जानती थी वो भी काफी अलग थी, जैसे कि मिनियंस, वॉल्क्री और बॉलर। पर विच अब भी अपनी छड़ी इस्तेमाल कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने साथ कुछ स्केलेटन ले लिए। विच एरिना में जाने के बाद राजा से मिली और कहा कि वो नाइट विच से मिलना चाहती है। तो राजा ने उसे बताया कि वो एक लेजेंडरी ट्रूप है और बहुत कम दिखती है और वो बहुत कमाल की है। तो विच और भी ज्यादा एक्साइटेड होगी उससे मिलने के लिए और ये जानने के लिए कि वो कौन है और से आई है। तो कुछ देर इंतजार करने के बाद विच के सामने नाइट विच आई। पहले तो विच को यकीन नहीं हुआ क्योंकि नाइट विच पूरी उसकी ही तरह थी, बस उसने काले कपड़े पहने थे। विच ने नाइट विच से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो नाइट विच ने उसे बताया कि मैं तुम हूँ और वो हीलर से आई है। विच ने कहा ये नहीं हो सकता। नाइट विच ने उसे समझाया कि जिस समय लैब में धमाका हुआ था तो गोलम के पोषण के कारण वो दो विच में बदल गई थी, तो गोलम के पोषण के कारण वो दो में बदल गई थी क्योंकि पूरा डार्क लीजर विच पे गिरा था, इसलिए वो डार्क मैजिक कर सकती है।
पर मैं सिर्फ उड़ने वाली ट्रूप्स पैट्स को स्पॉन कर सकती हूँ, वो भी इस छड़ी की मदद से, क्योंकि हीलर का एक हिस्सा मुझ में है जो कि उड़ता था। तो विच को समझ आ गया। नाइट विच ने कहा कि हम दोनों बहने हैं, पर विच ने कहा यह सब तो ठीक है पर तुम इतनी अलग क्यों हो। तो उसने उसे बताया कि डार्क लिक्जर के कारण, जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे पैर हैं और मेरी छड़ी में डार्क लिक्जर ही नहीं है। विच ने कहा कि यह सब तो ठीक है पर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तो नाइट विच ने कहा क्योंकि मैं बैट्स के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। सब ठीक था पर विच अब भी जानना चाहती थी कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसलिए विच ने नाइट विच को एक ऑफर दिया और कहा कि क्यों ना हम दोनों आपस में एक बैटल करें और देखें कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो मेन विलेज में रहेगा और जो कम ताकतवर होगा वो मेन विलेज में कभी नहीं जाएगा। तो नाइट विच मान गई क्योंकि वो एक लेजेंडरी ट्रूप थी और उसकी काफी ज्यादा शान थी क्लैश रॉयल अरीना में। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई और विच ने आसानी से नाइट विच को हरा दिया। तो इसके बाद फैसला हो गया था कि नाइट विच कभी भी मेन विलेज में नहीं जाएगी। पर विच ने कहा कि तुम मेन विलेज में नहीं जा सकते पर मैंने सुना है कि दूर कहीं एक बिल्डर बेस है, तुम वहां पे जरूर जा सकती हो। और उसके बाद विच वापस चली गई मेन विलेज में। पर जैसे ही वो मेन विलेज में पहुंची उसने देखा कि ग्रैंड वार्डन वहां पे आ चुका है और उसने फिर विच को फिर से नॉर्मल बना दिया। और इसके बाद नाइट विच चली गई बिल्डर बेस में। तो ये थी कहानी विच और नाइट विच की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पर जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज, कमेंट्स में लिखिएगा कि नाइट विच पेट्स को ही क्यों स्पॉन करती है और किसी चीज को क्यों नहीं। तो देखने के लिए शुक्रिया। पर जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे। तो फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।